बीते 2 दिन तो हल्का शाम चौरासी के पिंड चक्कोवाल के प्यो पुत का कतल कर दिया जाता है और सनसनी फैल जाती है। 2 दिन तो यह खबर सुर्खियां बन जाती है। इसी अपडेट लिए सर SSP सुरेंद्र लांबा मौजूद ने। यदि नवी अपडेट की है वो जानते हैं सर। 2 दिन दे तो एक लगातार सनसनी बनी हुई है, प्यो पुत का कतल कर दिया जाता है सर, गोलियां मार दी जाती है शरेआम सर, वो सर वो नवा अपडेट की है सर जी। जस्ट मैंने हुने ही अपडेट किया ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कि जड़ा एक अक्यूज्ड मेन जड़े दो अक्यूज्ड जिन्होंने अटैक किया गया सीगा उन्हां विचों एक अक्यूज्ड हरगढ़ वाले चो वाले पासे स्पॉट किया गया सीगा ते उहदे जड़ा हैगा उन्हें जो अपनी टीम ने उन्हें चेज किया हैगा ते उन्हें टीम पर फायर किया हैगा ते नाल ही अपनी टीम ने सैल्फ डिफेंस से फायर करते हुए जड़ा हैगा 4 राउंड फायर किए उहदे विच दोषी दे भी गोली लगी हैगी। हुण फर्दर जिहड़ा हैगा वो SP साहब मौके पर पहुँच रहे हैं असीं देख के ते उहनूं मैडिकल सपोर्ट वास्ते इमीडिएटली जिहड़ा हैगा अरैसट किया जा रहा हैगा ते फर्दर तुहानूं अपडेट करदे आं। मतलब एक दोषी जिहड़ा हैगा वो इंजर्ड होया हैगा एनकाउंटर च, बाकी फर्दर अपडेट सर जिथे प्यो पुत का मर्डर एक सनसनी बनया होया सी उत्थे बच्चों की इंजरियां भी कितना कितने एक चर्चा का विषय बनी हुई सर। बच्चों के भी गनशॉट है सर दोनों बच्चे जी। जड़ी हुण तक साडी डॉक्टर साहब नाल गल हुई हैगी उहदे आधार ते जिहड़ा एक बच्चे दे एबडोमन च एक गनशॉट इंजरी हैगी ते दूसरे बच्चे दा जिहड़ा हैगा हाले तक कन्फर्म नहीं किया गया हैगा डॉक्टर्स वालों गनशॉट इंजरी बारे। बाकी डिटेल्स असी फरदर डॉक्टर्स दी रिटर्न रिपोर्ट तो बाद डिस्कस करांगे। जिहड़ा हुणे तुसीं दस्सदे आ फायरिंग हुई है सर, इहदे विच कोई पुलिस वाले दे भी नहीं? वह देखते हैं असी साडी टीम दा सारा कि भी कित्थे फायर किया हैगा की हैगा, बट एज ऑफ नाउ पुलिस वाले सारे सेफ हैगे ते जिहड़ा अक्यूज्ड हैगा सुखी नाम दस्सिया जा रहा हैगा उहदा ते उहदे जिहड़ा हैगा फायर लग्गिया हैगा। बाकी फर्दर डिटेल्स असीं डिस्क्लोज करदे आं एक बार उहनूं होस्पिटल पहुंचा। सर प्रशासन लई जिथे ये मर्डर सनसनी बने हुए सी एक वड्डी चैलेंज बने हुए सी सर, उत्थे ही परिवार भी एक चैलेंज बनिया होया क्योंकि परिवार का कहना है कि पोस्टमार्टम भी बाद विच करावांगे जदों दोषियां दी उन्होंने कदों तक सैटिस्फाई। देखो असीं कमिटेड हाँ अपना काम कानून मुताबिक जल्द तो जल्द करन वास्ते ते साडा काम हैगा क्राइम प्रिवेंशन और जिथे क्राइम हो जाता इमीडिएटली डिटेक्ट करके ते जिहड़े दोषी हैगे उन्हां नूं कानून मुताबिक सख्त तो सख्त सज़ा दिलाना। मैनूं लगदा असी अपने पूरा जी जान लाया हुआ हैगा कल तो परसों तो जदों तो इनफैक्ट इंसीडेंट होया हैगा इमीडिएटली साडी 4 टीमां इसी चीज़ ते लगी हुई हैगी। मैं परसनली इहनूं सुपरवाइज कर रहा हैगा नाल SPD DSPD ते सारे ऑफिसर्स लगे हुए हैगे। साडा काम हैगा जिहड़े दोषी हैगे उन्हां नूं फड़ के कानून मुताबिक सज़ा दिलाना ते उह असी करांगे। बाकी परिवार दे नाल भी जिहड़ा हैगा ओह राफ्ता हैगा कोई गल नहीं, इस दा हर चीज़ का समाधान करांगे। प्यो कश्मीरी अते पुत्र अमरजीत लाल दे हत्याकांड तो बाद एक सनसनी फैल गई सी, उस दे विच वड्डा अपडेट सामने आया है कि एक दोषी नू गिरफ्तार कर लिया गया है कि हाले कि उन्हों गिरफ्तार करने दे विच पुलिस नू जद्दोजहद करनी पई है, क्रॉस फायरिंग हुई है अते SSP सुरेंद्र लांबा ने जानकारी दी है जिहदे विच जिहड़ा दोषी फड़िया गया है उस नू भी गोली लगी है। हुण अगली अपडेट लई जल्दी तुहाडे नाल रूबरू होवांगे अते ये भी देखना है कि कितनी जल्दी पुलिस प्रशासन है जिहड़ा वो परिवार की सहमति पा सकता है और इन मृतक देहां का अंतिम संस्कार होएगा। कैमरा परसन अमित नाल योगेश कुमार, BBC News, होशियार।